जो कंटेंट हम लोग पहुंचाना चाह रहे हैं आप तक, उस कंटेंट को पहुंचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगा कि किसी के भी लाइफ में अगर शुरुआत होती है तो बिल्कुल जीरो से ही होती है, और ऐसा मैं फेस भी किया हूँ और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कोई भी शुरुआत छोटे से ही होता है, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि पूरा एक अच्छा सा माहौल रहेगा, एक अच्छा माहौल क्रिएट हम करेंगे तभी शुरुआत करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, ठीक है। एक समय था कि मैं विदाउट माइक से वीडियो बना रहा था, ठीक है, छोटा सा ब्लैक बोर्ड था, उस पर दिख नहीं रहा था, भूतों जैसा मैं दिख रहा था, और इसके पहले भी कुछ कंडीशन ऐसी आई है कि वीडियो सही नहीं बन पा रहा था, ठीक है, और काफ़ी इसी में लगे रहे। इसके पहले मैं बोल भी नहीं पा रहा था, और उसकी कुछ वीडियो भी हो सकता है हमारे यूट्यूब चैनल पर होगा ही, ठीक है। और सामने भी देख रहे हैं हमारी व्यवस्था हम लोग की चल रही है, अब धीमे धीमे हमारी टीम बनके तैयार हो रही है और हो भी जाएगी, ठीक है। तो बाद में बात करेंगे कि उस टीम के बारे में, मैं यहाँ पे बात करूँगा। जैसे अभी भी देख रहे हैं ना, अभी मैं 2-3 दिन पहले से एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट को ये पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कितना इसकी लेंथ होगी, 6x4 का होगा, ये वाइट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इस पर हम लोग पढ़ा रहे थे तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि क्लियर नहीं दिख रहा था, ठीक है, यानी उसको फेस करने के लिए, उसको क्लियर स्पष्ट तक आप तक जो कंटेंट हम लोग पहुँचाना चाह रहे हैं आप तक, उस कंटेंट को पहुँचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। और उसी प्रयास में एक देख सकते हैं यहाँ पर एक और वाइट बोर्ड मंगाया गया है, इसको ब्लैक बोर्ड भी कह सकते हैं क्योंकि एक साइड वाइट है और एक साइड क्या है, ब्लैक है। ब्लैक वाले पे हम चाक जिसे हम खड़िया कहते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, केमिस्ट्री वाले हैं इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर दिया हूँ। तो साथियों बस मैं यही कहूँगा कि शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है, छोटे से ही होता है, ऐसा नहीं है कि सब व्यवस्था ही हमारे पास होगी, सब व्यवस्था होगा तभी हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं हो गई है, केवल इसी को लगा देना है ताकि जो हम यहाँ पे कंटेंट को लिखें और पढ़ें और बताएं या सिखाएं, वो चीज़ें आपको क्लियर दिखे, और इसी क्लियरिटी को बताने के लिए ये छोटा सा हम लोगों का प्रयास है।